निरंकारी मैदान में मेरे सहयोगी पुनीत भी इस वक्त मौजूद है। सीधा मुनी का रुख कर लेते हैं। पुनीत, जरा वहां पर मौजूद लोगों से पूछिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात उन्होंने सुनी और जो आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, अब उनके मन में क्या है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमारे साथ यहाँ पर तमाम किसान और किसान नेता भी मौजूद हैं जो यहाँ पंजाब से आए हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनी? उनका कहना है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, बहुत सारी संभावनाएं और अवसर आप लोगों के लिए इस कानून के जरिए। आपने मन की बात सुनी उनकी? बात तो ये है, मोदी की बात ये है, जो हमारा कानून है कालेकुन रद्द नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष चालू रखना पड़ेगा। उसमें जाने का अभी पीछे मीटिंग हुई है मंत्री के साथ, राजनाथ और खेती बाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, रेलवे मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, हमारे जो आगू हैं उसके साथ, उसको बोलना को जवाब नहीं दे पाए। अब फिर समझाने की बात है, ये बात क्या है, उसके कहने से कुछ होता है? हमें नहीं चाहिए ये कानून, नहीं चाहिए, अच्छा है बुरा है, हमें तो पुराना व्यवस्था चाहिए। नहीं, उनकी मन की बात से सहमत? कोई कभी भी नहीं सुनी है, पहले भी सुनी है, आप भी सुनी है, सभी सुनी है, नहीं चाहिए उनकी उसकी मन की बात। हाँ, हमारे मन की बात होनी चाहिए, उनके मन की बात नहीं, जो हम कहते हैं वो सुना जाए। उनका ये कहना है कि इस कानून से लेकर बहुत संभावना बनी है। इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया, भुगतान को लेकर आश्वासन दिया, उन्होंने कहा अधिकार बढ़ेंगे, ये सुना क्या उन्होंने और इस आश्वासन से क्या वो आश्वस्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में आप ही लोगों के मन की बात कही है। उनका कहना है कि इस नए कानून से बहुत संभावनाएं हो रही है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, साथ ही जो बकाया भुगतान था वो बहुत जल्द निपटारा हो जाएगा, एसडीएम को बोला गया कि कोई समस्या होती है इसका एक महीने के अंदर समाधान करे। क्या आप लोग उनकी इन बातों से सहमत हैं? एसडीएम किसका होता है? किसानों का होता है, किस सरकार का होता है? एसडीएम किसका होता था? वो इनको कॉर्पोरेट बनाने का होता है, इसकी बात करेंगे, हमारी बात कौन करेगा? हमारा तो गला घुटा जा रहा है मोदी के कहने से। हम मांगते ही नहीं है ये कानून, हम अपना फिक्र हमें है ना, हम मांगते नहीं है, जो मांगने वाला मांगता है। इनसे भी बात करते रहिएगा। और जो गाजीपुर बॉर्डर है यानी कि यूपी गेट है, वहां पर ब्रिजेश भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। वहां मौजूद किसानों ने क्या मन की बात सुनी और क्या उनके मन की बात और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात एक जैसी रही, इस पर रिएक्शन लेंगे। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।